Hello students, so now we are going to start the very first question of exercise 11.1. तो बेटा हमारा चैप्टर है कंस्ट्रक्शन NCERT बुक का, एक्सरसाइज है 11.1 और क्वेश्चन नंबर 1. तो बेटा जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू द रेशियो ऑफ 5:8, मेजर द टू पार्ट्स. तो आपको क्या करना है, पहले इस लाइन को आपको 5:8 रेशियो में डिवाइड करना है और फिर आप इसका क्या कर सकते हैं, मेजर करके आपको लेंथ बतानी है कि इसकी लेंथ कितनी होगी. ठीक है, सो लेट स्टार्ट. तो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है. कितने सेंटीमीटर की? 7.6 सेंटीमीटर की. तो बेटा स्टार्ट करते हैं. 7.6 का मतलब यहां पर ये रहा 7.6. ठीक है, 7.6, तो इसको ज्वाइन करते हैं यहां से यहां तक. ये रहा 7.6, इसका नाम रख देते हैं. ये है बेटा ए और ये है आपका बी. ठीक है, अब बेटा ये है आपकी कितनी, 7.6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो देखिए अब आपको बेटा क्या करना है, एक एक्यूट एंगल के साथ यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है, तो ये हो गया एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, अब आपने इसको यहां तक ड्रॉ कर लिया. अब बेटा आपको क्या करना है, ये जो आपने एक्यूट एंगल के साथ लाइन ड्रॉ की है, अगर आप इसका रेशियो देखें, हमें किस रेशियो में डिवाइड करनी है, 5:8. तो बेटा अगर मैं 5+8 करूं, दोनों को ऐड करूंगा, तो आंसर आएगा 13. इसको दो तरीके से कर सकते हैं, वो आपको पता ही है. एक तो आप बेटा इसको 13 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या सिर्फ जो बड़ा नंबर है उतने इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो बेटा देखिए ज्यादातर आपके बेटा जो सॉल्यूशंस वगैरह उसमें इसी तरीके से कराया हुआ है, इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूं. तो बेटा इसको अब क्या करना है, 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है, कौन सी लाइन को, इस वाली लाइन को. सो लेट स्टार्ट. मान लीजिए बेटा ये है 1, अब आपको यहां पर रखकर फिर से आग लगानी है 2, फिर यहां पर रख के बेटा आगे मेक श्योर इक्वल हो 3. ठीक है, फिर यहां से रख के 4, फिर यहां से रखकर 5, यहां से रखकर 6, सेवन, एट, आगे कैमरा आ रहा है जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है. कितने हो गए हैं, नाम रख लेते हैं. ये है ए बेटा, इसको मान लेते हैं ए. ये ए वन, ये ए टू, ये ए थ्री, ये ए फोर, ये ए फाइव, ये है आपका ए सिक्स, ए सेवन, ए एट. तो 8 तक हो गया, आगे करना है हमें. ये है बेटा 9. ठीक है, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 11, और ये हो गया आपका 12, और लास्ट 13. ठीक है, तो बेटा ये ए है, इसको ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव एंड सो ऑन. बेटा इसको हम मान लेंगे ए नाइन, ए टेन, ए इलेवन, ए ट्वेल्व एंड ए 13. ठीक है, तो बेटा इसको अब हमें क्या करना है, किस रेशियो में डिवाइड करना है, 5:8. ठीक है, तो देखिए आप क्या कीजिए, जो लास्ट वाला नंबर है मतलब कि ए 13, उससे आप बी को ज्वाइन कर दीजिए. यहां से आप इसको
ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब बेटा देखिए आपको क्या करना है, इसी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है 5 से, जो कि बेटा इसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी जाकर, और जहां पर ये बेटा इंटरसेक्ट करेगी वही रेशियो होगा 5:8 का, क्योंकि यहां से यहां तक 5 और 5 से आगे यहां तक बेटा कितने हैं 8, तो 5:8। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो बेटा देखिए आपको क्या करना है, प्रॉब्लम हो रही है, यहां से आपको बेटा एक आर्क लगानी है यहां से यहां तक, जो इस वाली लाइन को भी और इस वाली लाइन को कट करती हुई जाए। ठीक है, अब बिना चेंज किए बेटा अब आपको 5 पर रखना है, A5 पर। ठीक है, और वहां से भी एक ऐसी ही आर्क बनानी है, थोड़ा डीप बनाइए यहां तक, बिकॉज इसके लाइन पैरेलल बनेगी तो कुछ ऐसी जाएगी यहां से। ठीक है, तो क्या किया मैंने, 13 मतलब कि लास्ट वाले से रखकर मैंने एक आर्क लगाई, और फिर मुझे 5:8 में डिवाइड करना था, तो मैंने 5 से रख के एक और आर्क बनाई। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है, यहां से यहां तक का एंगल मेजर करना है। यहां से देखो ये जो आर्क लगाई है ना, ये एक इस पॉइंट पे कट कर रही है और दूसरी इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो यहां से जहां तक कट कर रही है वहां तक की बेटा डिस्टेंस को मेजर करना है, उन दोनों पॉइंट्स को जो इस लाइन को कट कर रहे हैं, ये जो आर्क है ये इस लाइन को कहां पर कट कर रही है, यहां पर, और इस लाइन को यहां पर, तो बेटा यहां से यहां तक इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ऊपर वाले से नहीं जहां से इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से, तो बेटा अब आप यहां पर रखिए और यहां पर, और यहां पर आर्क लगा दीजिए। तो मैंने क्या किया, यहां से यहां तक डिस्टेंस मेजर किया, और यहां से देखिए ये वाली जो आर्क लगाई थी जो इस वाली लाइन को यहां पे कट करती हुई जा रही थी यहां पर, वहां से रखकर आर्क लगा दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल, और जब एंगल्स इक्वल होंगे तो बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो बेटा 5 से रखकर इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। सो दिस इज दी रेशियो। अब बेटा ये क्या हो गया, इस लाइन को 5:8 में डिवाइड कर रही है। ठीक है, मेक श्योर बेटा ये दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है तो फिर आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। इसके बाद अब देखिए आप जरा, अब बेटा है आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आपके एग्जाम्स में आपको लिखने भी होंगे। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्या होंगे बेटा, देखिए इसमें कुछ भी टफ नहीं है, आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपने क्या क्या किया है। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपने क्या किया है, ड्रॉ की है लाइन ए बी कितने सेंटीमीटर की, 7.6 सेंटीमीटर की, तो आप क्या लिख देंगे बेटा, ड्रॉ अ लाइन 7.6 ए बी कितने सेंटीमीटर की, 7.6 सेंटीमीटर की। ठीक है, मेरे सामने ये सेटअप लगा हुआ है जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, और मेरी राइटिंग वैसे ही आपको पता है बहुत अच्छी है, और ऊपर से ये सामने रखा हुआ है तो और अच्छी आ रही है। नेक्स्ट बेटा आपने क्या किया था, ड्रॉ किया है बेटा एक एक्यूट एंगल, जो कि है बेटा बी ए, चलो इस यहां पर एक इसका नाम रख देते हैं, चलो एक्स रख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा बी ए एक्स। ठीक है, और बेटा
उसको हमने क्या नाम दे दिया है, एक्स। तो बेटा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमने क्या किया है बेटा, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन सा, बी ए एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, एंगल बी ए एक्स। ठीक है, अच्छा सॉरी, एंगल हमने लिख दिया है तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, इसको कट कर सकते हो, या फिर तो आप ये सिंबल बना दीजिए या एंगल लिख दीजिए। ठीक है, ऑन बेस कौन सा वाला, ए बी। ठीक है, बी सी पर आपने एक एक्यूट एंगल बनाया है बी ए एक्स। अब बेटा देखिए, और बेटा मार्क किया है इसको आपने, क्या मार्क ए एक्स एज अ रे। तो ए एक्स को बेटा आपने क्या मान लिया है, रे मान लिया, मार्क ए एज अ रे। ठीक है, इसको आपने एज अ रे मार्क किया है। फिर बेटा थर्ड पॉइंट आपने क्या किया है, आपने बेटा लोकेट किए हैं 13 पॉइंट्स, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर कहां तक, 13 तक। तो बेटा आप लिखोगे लोकेट कितने, 13 पॉइंट्स, कौन कौन से, ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री, सॉरी ए थ्री और कहां तक, डैश 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 ए 13 तक। ठीक है, ये इसके बाद बेटा आपने फोर्थ पॉइंट में क्या किया है, फोर्थ में बेटा आपने किया है जॉइन, आपने किया है ए 13 से कहां पर, बी पर। तो बेटा आपने किया जॉइन ए 13 विद बी। ठीक है, तो जॉइन ए 13 विद बी। ठीक है, फिफ्थ बेटा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आपने बेटा क्या किया है, ए फाइव से बेटा एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है विच इज पैरेलल टू बी 13। ठीक है, तो फ्रॉम ए फाइव ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू व्हाट, बी ए 13। ठीक है, तो देखिए यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है विच इज पैरेलल टू बी 13। ठीक है, इसके बाद बेटा अब आपने क्या किया है, इसको चलो नाम देते हैं पी। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, पी ए 5 विच इज पैरेलल टू बी ए 13। ठीक है, सिक्स पॉइंट बेटा देखते हैं हम, सिक्स पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा, अब आप मेजर कीजिए किसको, ए पी को और पी बी को। तो बेटा ए पी कितना आ रहा है, लेट्स चेक बेटा, ये आ रहा है आपका 2.9। ठीक है, देख सकते हैं आप एग्जैक्टली कितना आ रहा है, 2.9 आ रहा है। तो बेटा मेजर करना है आपको, मेजर करने के लिए बोला है उन्होंने, तो मेजर करना है बेटा किसको, ए पी को विच इज व्हाट 2.9 सेंटीमीटर, और बेटा फिर हमें मेजर करना है पी बी को, और पी बी बेटा कितना है, लेट्स मेजर 4.7। ठीक है, तो बेटा ये आ गया आपका 4.7। तो बेटा ये हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। मेरे स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं एकेडमी में कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बताइए, तो देखिए जो जो आपने किया है वही आपको एज इट इज पॉइंट वाइज लिखते रहना है, दैट्स इट। ठीक है, और लास्ट में मेजर करके लिख दीजिए।